एसएस नेशनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कमर अफजल। अभी हम आए हैं सीतामढ़ी जिले के बेलसन प्रखंड के मतकौल ग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों ग्रामीण बांध को बचाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर में जो भी हो, बांस बल्ला पेड़ पौधा या बोरा में मट्टी भरकर बांध को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बांध नहीं बच पाया, आखिरकार टूट गया। सीतामढ़ी शिवहर दो जिला में लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए, सैकड़ों गाँव इससे प्रभावित हुए, जहाँ का रहना सहना आवागमन बिल्कुल ही बंद हो चुका है। कई घर डूब चुके हैं, कई गांव का गांव लापता हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं मिलने के कारण इस बांध का ये दुर्दशा हुआ है। आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन मिथिलांचल वासियों का अभी भी जीवन यापन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है। कभी चाहे सरकार राज्य में किसी की भी रही हो, लेकिन मिथिलांचल के लोगों को कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, न वो उनको सड़क के माध्यम पर विशेष ध्यान दिया गया, न बांध का जो प्रॉब्लम है, जो शुरू से प्रॉब्लम रहा वो कभी भी सोल्व नहीं हो चुका। आज यही परिणाम आज देख सकते हैं कि सालों साल दर साल ये बांध अक्सर एक दो साल के गैप में टूटता रहता है, और रहने वाले आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो प्रखंड पड़ते हैं, बेलसन प्रखंड, रून्नी सैदपुर प्रखंड हो गया, यहाँ पर जो सैकड़ों गाँव हैं वो तो बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं इससे, बांध के पानी से और बाढ़ से। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कर सकती है। आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, एक भी व्यक्ति प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, न किसी प्रकार का ठेकेदार वहां पर मौजूद था। ग्रामीण लोग ने ही मतकौल बांध को बचाने के लिए कोशिश किया, अंत में वो विफल हो गया और बांध टूट गया। बांध टूटने से आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का रहना सहना, खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। कई के गांव तो गांव साफ हो चुके हैं इस पानी में। आप हमारे पीछे लाइव फुटेज देख सकते हैं कि लोग किस तरह से देख रहे हैं बांध टूटने का नज़ारा, लेकिन ये उतना ही दुखदायी होता है। सरकार भले ही इसको प्राकृतिक आपदा कहे, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव आपदा है। बांध बनाकर पानी को रोका गया, लेकिन बांध का मेंटेनेंस समय समय पर नहीं किया गया, सही ढंग से नहीं किया गया, जिसके जल जमाव ज़्यादा होने के वजह से, एक साइड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने के वजह से चूहे के बिल होकर पानी का रिसाव हुआ, जिसको ग्रामीणों ने देखा और उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए ग्रामीणों के द्वारा उस पर रोकने की भरपूर कोशिश की गई, जी जान लगाकर कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन के तौर पर सीतामढ़ी प्रशासन ने बिल्कुल ही सुनवाई नहीं की, और जिसके वजह से आप देख सकते हैं परिणाम स्वरूप कि बांध टूट गया। बांध टूटने से आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानियां जो बढ़ी है वो आप बिल्कुल वीडियो के फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घर का सामान निकाल कर ऊँचे स्थान पर जा रहे हैं। ये डीएम सीतामढ़ी के द्वारा शुरू में ही कह दिया गया था कि आप ऊंचे स्थान पकड़ लीजिए और जो भी मछुआरे हैं वो नाव में लेकर नदी में मछली मारने के लिए ना जाएं, लेकिन वहां तक तो ठीक था, लेकिन साथ में ही आपको बांध पर भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बांध पर ध्यान नहीं देने के वजह से बांध धीरे धीरे करके टूट गया। आप टूटने का परिणाम देख सकते हैं कि ये दो जिलाओं में के जो लोग रह रहे हैं सैकड़ों गाँव में, उन लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा, उनके खान पीन पर, जीविका उर्जन पर असर पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि सरकार आगे क्या करती है वो तो आने वाला कल ही बताएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे कि सरकार ने इस पर कौन सा एक्शन लिया, क्या सुधार का कार्य किया। आज़ादी के 78 सालों में भले ही बांध पर समय समय पर कुछ मट्टियाँ डाल दिया जाता है, लेकिन उस पर कभी भी मजबूती के रूप में नहीं बनाया गया। ये कोई नई बात नहीं है, संसार में बहुत ऐसे बांध बनाए गए हैं कि जो सैकड़ों सालों से हिले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक दो साल बाद बांध जर्जर हो जाती है, और ये समय देखते ही मतकौल में बांध टूट गया है, भूल फूट के पानी आ रहा है। मतकौल बांध पर जल्दी जल्दी
लेकिन डोले न दे दे के किस हो रहा हमरा उठा ले देखिए सही जो ऊंच मारो जो जोरा है ए करना है गोरे पे होंगे आई पर रखिए लंबा पैर लंबा पैर।